उसकी कोई हकीकत नहीं है। ऐसे लोग फैलाने वाले फैला रहे हैं कि ऋषि कुमार झा बैठ गए हैं, ऋषि कुमार झा पैसे ले लिए, लेकिन ऋषि कुमार झा ऐसा इंसान नहीं है कि किसी से 2 रुपए लेके बैठ जाए। यहाँ 1 करोड़ भी आएगा तो ऋषि झा को कोई खरीद नहीं सकता है, और हम अपनी दावेदारी पेश करेंगे। देखिए सब आदमी को एक तरफ से प्रणाम, और हम कहना चाहते हैं कि बहुत लोग ऐसे हमको फोन करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि आप चुनाव मत लड़िए, आपको ये प्रलोभन हमको दिया जा रहा है, ये प्रलोभन दिया जा रहा है, आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, लेकिन हम चुनाव जीत हार से हमारे लिए कोई फर्क नहीं, मायने नहीं रखता है। और जनता के बीच में मैंने एक बार कह दिया है कि हम उप प्रमुख का चुनाव लड़ेंगे, चाहे हमें 1 वोट आए चाहे हमें 22 वोट आए, और हमारी जो जितने भी हमारे साथ प्रतिनिधि है, जन पंचायत समिति है, हमें हर आदमी ने आश्वासन दिया है कि आप चुनाव लड़िए और आप जीतिएगा, क्योंकि आप नौजवान हैं। तो हमने बहुत कोशिश किया, बहुत आदमी का बात सुना, बहुत आदमी का ये सुना वो सुना, लेकिन हमने फैसला ले लिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे और हम किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं, और हम जो है अडिग है, अभी भी है और हमेशा रहेंगे, और हम अपनी दावेदारी पेश करेंगे, उप प्रमुख की चुनाव हम लड़ेंगे। उसकी कोई हकीकत नहीं है। ऐसे लोग फैलाने वाले फैला रहे हैं कि ऋषि कुमार झा बैठ गए हैं, ऋषि कुमार झा पैसे ले लिए, लेकिन ऋषि कुमार झा ऐसा इंसान नहीं है कि किसी से 2 रुपए लेके बैठ जाए। यहाँ 1 करोड़ भी आएगा तो ऋषि झा को कोई खरीद नहीं सकता है, और हम अपनी दावेदारी पेश करेंगे।